हाय फ्रेंड्स, मैं आपके सामने फिर से आई हूँ एक चीज़ तीज को अनबॉक्स करने के लिए। एक्चुअल में मेरे यहाँ से तीज आई थी, मेरी मम्मी मुझे कल तीज देकर गई और जल्दबाजी में मैंने क्या किया, सारा सामान देखा फटाफट से और अपने अपने डब्बों में मैंने डाल दिया। लेकिन मैं चाहती थी कि आप सबको भी ये मैं दिखाऊँ कि मुझे मेरी माँ ने क्या दिया है, माँ का छोटा सा उपहार, माँ का प्यार। तो मैं ये दिखाना चाह रही थी। फिर मैंने क्या सोचा कि मैं ऐसा करती हूँ, छोटा छोटा आपको दिखा देती हूँ कि क्या था मेन, उसमें क्या क्या चीज़ें आई हैं। तो ये सारा सामान जो है ये मेरी तीज का है, ये सूट है, घेवर है, चीनी है, चावल है, चूड़ियाँ हैं और सबसे बड़ा रुपया है। तो ये तीज का त्यौहार जो हमारे उत्तर भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तीज को पार्वती जी का भी नाम दिया जाता है क्योंकि इस दिन पार्वती जी घोर तपस्या, 108 साल की घोर तपस्या के बाद पार्वती जी शिव जी से मिली थी। तो इसलिए आज के दिन को सावन मास में अमावस्या के बाद तीज को ये त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसे हरियाली तीज भी कहा जाता है, हरियाणा में तो इसका नाम हरियाली तीज है। इस दिन सभी औरतें हरी हरी चीज़ें पहनती हैं, हरी चूड़ियाँ, हरे कपड़े, मेहंदी लगाती हैं। अभी मैं भी लगाऊंगी मेहंदी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्या क्या मिला। मैं इसलिए आपको ये दिखा रही हूँ कि क्वांटिटी में कितना कितना था, ये बताऊंगी मैं। ये सबसे पहले आप लोग मुँह मीठा कीजिए। ये घेवर है, 2 किलो घेवर भेजा था मेरी मम्मी ने, 5 किलो चीनी भेजी थी, ऐसे बता रही हूँ जैसे मैं रेमेडी बना रही हूँ। और ये 5 किलो चावल थे, हरी चूड़ियाँ थी, ये सूट था, सूट बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा। मेरी मम्मी ने सोचा कि ये कलर मेरे पास है नहीं और तीज के हिसाब से हरे रंग को सोच कर उन्होंने दिया। सिल्क का बहुत ही सुंदर सूट है, मैं पक्का इसको सिलवाने जा रही हूँ। बस कल मैं इसको दे दूंगी सिलने के लिए और ये 500 रुपये। तो तीज पर कम से कम इतना, कम से कम ये मैं आपको बता रही हूँ, इतना कम से कम है हर माँ अपनी बेटी को देती है। तो मैं आप सबके माध्यम से सभी सभी बहनों को तीज की मुबारकबाद देना चाहती हूँ। ये सारी जो है ये तीज आप सभी के जीवन में इसी तरह से खुशियाँ लेकर आए, इसी तरह से आप हर बार हरियाली तीज मनाएं। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ढेर सारे कमेंट्स करें ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाऊं और छोटी छोटी कहानियां भी मैं आपको इसके साथ सुनाऊं, क्योंकि आज मैंने तीज को अनबॉक्स किया है ना, किया ना पक्का। ओके बाय।